अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ इरफान समोर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से हम बराह रास्त आपके साथ मौजूद हैं और मेरे साथ कप्तान की एक शेरनी मौजूद है। इनसे बात करते हैं क्या तैयारियां हैं, क्या तदाबीर अपनाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? देखिए जी, मेरा नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरतुल्लैन है और मैं एन ए 108 की सदर हूँ, फैसलाबाद से आई हूँ। और खान साहब को 25,000 की लीड से मैंने हराया, मतलब जितवाया है। और ना राणा सनाउल्ला के हलके में हमने कम्पेन की थी, उन्होंने हमारे साथ बड़ी गलत किस्म की हरकतें की हैं, लाइट ऑफ कर दी। हम कम्पेन कर रहे थे, बड़े उन्होंने वो जो अपने कहते हैं ना कि खून रेजी तक, वहाँ तक पहुँचे हुए थे, लेकिन वो सिर्फ एक टीवी की हद तक है। लेकिन जैसे ही खान साहब की लीड हुई, क्लीन स्वीप हुआ, उसके बाद वो हमें नज़र भी नहीं आए। उसके बाद हमें वो खबरों में नज़र आते हैं और हमें डराते हुए, धमकाते हुए कि अब ये होगा, अब ये होगा। ये इनके सारे प्रोपोगंडे हमें डराने के लिए। असल में हम लोग हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं। खान साहब का हमारा जो विजन है ना, उसको लेके निकले हैं। और ये घर घर की कहानी है, ये हम अपने लिए निकले हैं, अपने बच्चों के लिए निकले हैं, अपने खानदान के लिए निकले हैं, अपनी कौम के लिए निकले हैं। ये कोई हम खान साहब के लिए भी नहीं जा रहे, ये हम अपने लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये खान साहब ये बताइए मोहतरमा के फैसलाबाद के जो वहाँ से कोई काफिला वगैरह आएगा, वो लाहौर आएगा या कहाँ से ज्वाइन करेगा? जो क्यादत है हसन नियाजी साहब हैं उसमें, और उसमें लतीफ़ नज़र गुजर साहब हैं, वो अपनी क्यादत लेके इस्लामाबाद निकलेंगे। आज हमें जो पार्टी तंजीम की तरफ से ऑर्डर आए थे, हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए आए हैं कि NA 108 ने कैसे खान साहब को लीड दी है। और हम राणा सनाउल्ला को दिखाने के लिए आए हैं कि ये देखो, हम इधर भी आ सकते हैं, हम इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, हम 132 दिन का जो धरना दिया था उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमें किसी का खौफ नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है। अच्छा, तो अभी जो राणा सनाउल्ला वो बुलेट्स और रबर बुलेट्स, उसके अलावा ड्रोन्स, शेल्स वगैरह सारी तैयारी करके बैठा है, कैसे फेस करेंगे उसको? देखिए, हम ना, हमारा एहतजाज पुरअमन नहीं है। वो लोग जो भी हथियार अपना रहे हैं कि जी हम ड्रोन हमले करेंगे, हम ये करेंगे, तो फिर हम आम आवाम है ना, हमारे साथ टक्कर लेंगे, ठीक है? तो उनके ऊपर, सर के ऊपर गुनाह होगा। आगे ही 22 कत्ल किए हुए, तो आगे और कर देंगे, आगे और कर देंगे। अब हमारी इस वक्त फैसलाबाद की क्यादत 10,000 से भी ऊपर है, जो हमारे पोर्टल पे है, रजिस्टर है। इसके अलावा भी बहुत लोग कह रहे हैं कि हम लोग निकल अपने तौर पे, लड़के बच्चियाँ, तो फिर ये सारे कत्ल की जिम्मेदारी इनकी होगी ना, तो ये अच्छी बात है ये जो हमारे साथ ज्यादती करें। जी नाजरीन, ये तहरीक इंसाफ की सपोर्टर शेरनी और ये NA 108 की सदर हमारे साथ मौजूद थी, पुरअज़्म है, अपनी पूरी टीम को लेकर इस्लामाबाद जा रही हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।